बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ग्रीन कैरी गार्डन चैनल। केयर टिप्स का चैनल है हमारा। आप लोगों को प्लांट्स के बारे में मालूमात फराहम करना हमारी अवलिन तरजीह है। आएँ हमारे साथ सीखें ऑर्गेनिक सब्ज़ियाँ। इस वक्त ऑर्गेनिक सब्ज़ियाँ साफ़ सुथरे पानी वाली मिलनी बहुत ही मुश्किल काम है। अगर हम यही काम अपने घर में कर लें और अपने हाथों से खुद सब्ज़ियाँ उगाएँ तो इनकी लज्जत और टेस्ट में बहुत ज़्यादा मज़ेदार सब्जियां हम हासिल कर सकते हैं। तो हमने अपने घर में छोटी सी कैरी बनाई हुई है, उसमें सरसों का साग लगाया और भी बहुत कुछ है। आसान काम है, सबसे आसान काम है सरसों के साग को उगाना। सरसों का सीड लें, उसको आप स्प्रिंकल कर दें, पानी डाल दें, बस आसान काम। कोई भी सॉइल मीडिया, कोई भी ऐसी किस्म की चीज़ की ज़रूरत नहीं जिससे लगे कि गार्डन का काम मुश्किल है। हमने इसको बहुत आसान बना दिया है। इसके साथ हमने प्याज, लहसुन और पालक और धनिया और इसके साथ हमने सलाद पत्ता भी लगाया है, जो कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सर्दियों के सीज़न में इसको खाना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, जिन लोगों को शुगर का मर्ज़ है, मोटापा है, उन लोगों के लिए सब्ज़ी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। लहसुन और प्याज की देखभाल सबसे आसान तरीका, छोटे छोटे प्याज लें, वो भी अपने गार्डन में लगा लें। इसकी गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। प्याज तभी मोटा और सेहतमंद होगा जब इसकी गुड़ाई की जाएगी। ज़्यादा पानी इसको अच्छा और सूटेबल नहीं होता। सर्दियों का सीज़न होता है, बहुत ही ह्यूमिडिटी एयर में मौजूद होती है, पानी ज़्यादा नहीं देना पड़ता। मैक्सिकन पटूनिया, ये सदाबहार पौधा है और मेरे पास 3 से 4 किस्म के हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हैं और पूरा साल आपके गार्डन में रह सकता है। पालक और सलाद पत्ता, ये ऐसी सब्जियां हैं सब्ज़ पत्तों वाली जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम और हयातीन बहुत ज़्यादा मकदार में होता है। हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इनमें पानी ज़्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात है मूली, मैंने मूली को भी लगाया हुआ है। छोटी छोटी मूलियां बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। इन प्लांट्स को देखकर बहुत खुशी मिलती है क्योंकि हमने खुद इसको उगाया है और अगर हम इसको अपने गार्डन में छोटी सी जगह पर उगाएंगे और ये बेहतरीन सेहतमंद सब्ज़ियाँ होंगी तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। कोरिएंडर, धनिया, धनिया बहुत कम लोग उगा पाते हैं, या तो उनको सीड अच्छा नहीं मिलता या उनको तरीका नहीं आता। धनिया लगाने का आसान तरीका है कि उसको अच्छी तरह मसला जाए और फिर लगाया जाए। ये खुद ही हमारे गार्डन में उगने वाला टमाटर का प्लांट बहुत ही सेहतमंद और हेल्दी है और उसके पत्ते बहुत ज़बरदस्त हैं क्योंकि ये ज़मीन में लगा हुआ है। अगर इसके बरक्स हम गमले में लगाएंगे तो इसकी इतनी हेल्थ अच्छी ज़्यादा नहीं होती। तो व्यूअर, बात यह है कि कोशिश करने से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मेरी छोटी सी क्यारी और इस क्यारी ने मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दी जब ये सब्ज़ पत्तों वाले प्लांट मेरे गार्डन में हरे भरे और लहलहाते और सुबह शबनम इस पर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये इतनी ज़्यादा एरिया नहीं है लेकिन फिर भी इसमें हमने ऑर्गेनिक सब्ज़ियाँ उगाई, आप भी उगा सकते हैं। आज हम साग तैयार करेंगे। ये मेरी जो सरसों है ये 1 महीने की हो चुकी है और इसी जगह मैंने 2 दफ़ा पहले काटी। नवंबर के महीने में हम स्टार्ट कर सकते हैं और जनवरी फरवरी तक इस सरसों के साग को हम निकाल सकते हैं। तो मैं आज इसको यहाँ से निकालूंगा और एक बेहतरीन रेसिपी बनाऊंगा साग की। बाकी जो जहाँ पर जगह है इसे गुड़ाई करके दोबारा इसी पर दोबारा सरसों लगा दूंगा। तो जनवरी का महीना ये मेरे प्लांट फिर से ग्रो कर जाएंगे और एक ऑर्गेनिक ज़बरदस्त सब्ज़ी मुझे हासिल हो जाएगी बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के। यह फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि गार्डन ऑलरेडी हमारे मौजूद है और प्लांट्स भी लगाना हमारा शौक़ है। तो इस तरह ऑर्गेनिक सब्जियां खाना आज के दौर में बहुत ही मुश्किल है। तो मैंने ये अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छे तरीके से किया, आप भी करें। ये वीडियो बनाने का मकसद है कि हम सीखें, अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बनाएं, अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें, ऑर्गेनिक सब्जियाँ खाएँ, सेहत अच्छी हो। हमारी सेहत अच्छी होगी तो हमारी सोच भी अच्छी होगी और हम पॉजिटिव अपनी एनर्जी सर्व कर सकते हैं अपने मुल्क को बेहतर बनाने में। तो हर किसी को चाहिए कि अपने एरिए में, अपने घर में जितनी भी जगह बची है वो एक गमले से अपने गार्डन को स्टार्ट करें। जब एक गमले से स्टार्ट करेंगे, कोई पौधा उगाएंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगी, फिर ये सिलसिला चल पड़ेगा। इसी तरह मैंने भी किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2 मरले जगह जो है शहर में इतनी महंगाई में मैंने गार्डन के लिए सर्व की हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह इतने बहुत अच्छे प्लांट और ज़्यादातर जो मेरे प्लांट्स होते हैं मैंने खुद कलमों से ग्रो किए हुए हैं। नर्सरी बहुत कम जाता हूँ क्योंकि खुद प्लांट उगाना मुझे अच्छा लगता है और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आप लोगों को ये तमाम चीज़ें हम सिखाते भी रहते हैं। तो जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बेल नोटिफिकेशन के साथ। साग की बात चली है तो हम
पिछले दौर में चलते हैं। एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, पंजाबी सॉन्ग है, गंदलां दा साग ते मखना मकई रिन के लियांदी है मैं तुहाडे लई। तो साग हो, मखन हो और साथ में कच्चा जो फ्रेश दूध होता है वो हो, तो ये एक ऑर्गेनिक ऐसी रेसिपी बनती है कि गांव में रहने वाले लोग इसके बगैर, उनका जो विंटर सीजन होता है वो अबव नहीं होता, पास नहीं होता, उन्हें लगता है कि सर्दियां नहीं आई। जहां पर साग होता है वहां पर अलसी की पिनियां और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि मरूंडा, गच्चक वगैरह, ये भी एक ज़बरदस्त चीज़ है और सर्दियों में इस्तेमाल करने वाली एक इफ़ेक्टिव चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार होती हैं। तो इस चीज़ों को देखकर बचपन याद आ गया, इस तरह हमने इस साग को काटा और माशाल्लाह हमारा ये टब भर गया। मुझे लगा था कि इस एरिया से इतना ज़्यादा नहीं निकलेगा, तो हाफ काटने के बाद भी ज़बरदस्त बन गया। ये जो सरसों है इसकी अभी जो गंदल होती है ना वो नहीं बनी, बिल्कुल हेल्दी और साफ़ सुथरे पत्ते हैं, तो ये पत्तों का साग बन जाएगा। इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हम इसमें पालक और मेथी डालेंगे जो बहुत ही लजीज बन जाएगा। फिर सब्ज़ मिर्चों का मक्खन के साथ तुड़का लगाएंगे। आप भी बनाएं, हमें भी दुआओं में याद रखें। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। वीडियो पूरी वॉच करने का बेहद शुक्रिया।